हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विली। आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें स्केलेटल सिस्टम में टू टाइप्स के हैं, योर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड योर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में देखो, जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं, ठीक है, योर ग्रीन पार्ट्स इज ऑल योर व्हाट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? योर एक्सियल, योर ईयर ऑसिकल्स, योर हाइवॉइड बोन एंड फोर्थ योर थोरिक एज और रिब केज गाइस, ठीक है। अब इसका एक ही होता है, सबको पता है, ठीक है। और ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? सबसे छोटे हैं, और ईयर ऑसिकल 3 पेयर्स में होते हैं, ठीक है, और ये 6 इन नंबर होते हैं। गाइज, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितने ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ा 3, तो 3 में राइट मार के आ जाते हैं, राइट नहीं, पेयर, 3 पेयर है, देन राइट, ठीक है, 3 पेयर, ऑल राइट। हाइवॉइड बोन एक ही बोन रहता है। ये क्या होता है? दिस इज प्रेजेंट इन योर बिलो द टंग, ठीक है, टंग के बिलो में जो प्रेजेंट रहता है। और रिब केज में क्या प्रेजेंट होता है? योर स्टर्नम, ठीक है, थोरिक केज, इसको केज भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज योर स्टर्नम, बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। रिब्स कितने प्रेजेंट होते हैं गाइस? योर 24 और 12 पेयर, ठीक है। देखो, इसको हम लोग रिब्स को हम लोग पढ़ेंगे, कौन फॉल्स है कौन ट्रू है आफ्टर दिस लेक्चर। आज हम लोग सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं और कुछ स्कल का करेंगे, ठीक है, ऑल राइट। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टर्नम एक होता है एंड, ठीक है, एंड वर्टेब्रल कॉलम इज ऑल्सो योर 24, ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग यहीं पर साथ में देख लेते हैं आप लोगों का स्कल, ठीक है। स्कल में आज हम लोग देखेंगे ये, ऑल राइट गाइस, ठीक है गाइस, आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्कल, इसको बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है, क्रैनियम, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, ठीक, ब्रेन बॉक्स जो 18 नंबर में प्रेजेंट। अब देखो, हमारे ब्रेन्स को क्या जरूरत होता है? प्रोडक्शन चारों तरफ से मिलता है, ब्रेन को पता है, ठीक है, हमारे जो जितने भी बोन्स हैं सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है हमारा कि सपोज ये आप लोगों का ब्रेन है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे फोरहेड में जो ये प्रेजेंट होता है, दैट इज योर व्हाट? फ्रंटल बोन, ठीक है, और जो थोड़े पीछे की ओर प्रेजेंट होता है ना, दिस इज योर पैरिटल बोन, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, सब इसमें दिया है। और पीछे में जस्ट ये यहाँ पर हिंड ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, दिस इज योर ईयर, देखो नीचे में प्रेजेंट है ना, ऑसिपिटल बोन्स, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाट? योर टेम्पोरल बोन। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, दिस इज व्हाट? योर इथेमॉइड। इथेमॉइड आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इथेमॉइड क्या होता है कि जैसे नाक को हटा दो, नाक के हटाने के बाद जो जगह बचता है ना, दिस इज योर इथेमॉइड बोन, देखो नाक से गया ना, दिस इज योर इथेमॉइड।
यहीं पर होता है स्फेनॉइड बोन गाइस, ठीक है। फ्रंटल बोन फोरहेड में रहते हैं। एक इसका नंबर कितना होता है इसको भी लिखो विद डिफरेंट पेन। ऑलराइट, ये वन इन नंबर है, ठीक है। ये रूफ ऑफ द स्कल होता है, ये टू इन नंबर है, टेम्पोरल टू इन नंबर, ठीक है। ऑलराइट, इतना तो आप लोग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा गाइस। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।